यूपी के जौनपुर में पुलिस टीम पर हमला, बड़ी खबर इस वक्त की। दो पक्षों का विवाद सुलझाने गई थी पुलिस, हमले में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। दो पक्षों के विवाद में पुलिस टीम भी आई लपेटे में, साथी पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। एक पुलिसकर्मी घायल, दूसरा साथी उसने भागकर अपनी जान बचाई है। दो पक्षों का विवाद और ये विवाद जो है पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ा है। यूपी के जौनपुर से ये मामला सामने आया है, पुलिस टीम पर ही हमला हो गया है। दो पक्षों का विवाद सुलझाने गई थी पुलिस, हमले में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। ब्रेकिंग न्यूज यूपी के जौनपुर से। तामिर हसन हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तामिर, आपसे जानना चाहेंगे, जरा पूरा मामला बताएं कि क्या है और ये घटना जो है जौनपुर में कहां पर सामने आई है और किस वक्त ये सामने आई। जी कहना जी, आपको बता दें कि जौनपुर में बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव का मामला है, जहां पे दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था और आपस में मारपीट हो गई थी। तो किसी ने वहां पे, उनके पड़ोसी ने ही सूचना दी थी 112 नंबर को। 112 नंबर की टीम पहुंची है वहां पे। पहुंचने के बाद जब वहां गई है तो दोनों पक्षों को छुड़ा रही थी आपस में। जो अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों को आपस में छुड़ा रही थी, थाने ले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वहीं पे किसी ने उनके पुलिस वाले के ऊपर हमला कर दिया। कितनी गंभीर चोटें आई हैं? क्या दो जो पक्षों में विवाद हुआ था उन्हीं लोगों में से किसी ने पुलिस टीम पर हमला किया है या फिर ये कोई तीसरा पक्ष यहाँ निकल के सामने आया है? नहीं कहना जी, बता दें कि दो पक्षों में जो लड़ाई हुई थी उसी में किसी पक्ष ने हमला कर दिया है, क्योंकि छुड़ा रहे थे पुलिस के जवान जो थे 112 के, वो छुड़ा रहे थे, उन लोग झगड़ा कर रहे थे, छुड़ा रहे थे, छुड़ाने के लेके उसको गुस्सा आ गया, उसने पुलिस पर हमला कर दिया। चोटें जो है पुलिसकर्मी को किस प्रकार से आई हैं? क्या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है जो पुलिसकर्मी इस विवाद की चपेट में आ गया है, लपेटे में आ गया है? और अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? अभी कोई इस मामले में कोई ज्यादा वो नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी का बयान आ चुका है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तामिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जौनपुर में ये विवाद सुलझाना पुलिस की टीम को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया।